मशहूर टीवी मेजबान डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की बेवा और टिकटॉक स्टार दानिया शाह ने दूसरी शादी कर ली है। दानिया शाह ने शुजाबाद से ताल्लुक रखने वाले हकीम शहजाद से शादी की है। ये शादी चंद माह कबल हुई, लेकिन हकीम शहजाद के इंकशाफ के बाद अब दानिया शाह ने भी इसकी तस्दीक कर दी। आमिर लियाकत मरहूम की बेवा दानिया शाह ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मेरी जिंदगी में काफी मसाइल चल रहे थे और मुझे एक महरम की जरूरत थी, एक ऐसे मर्द की जरूरत थी जो हर जगह मेरा साथ दे सके। दानिया शाह ने कहा कि इसी दौरान शहजाद ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा और मैंने काफी सोचे विचार के बाद शहजाद से चंद माह कबल शादी कर ली है। आप सब लोग मेरी खुशियों के लिए दुआ कीजिएगा। दानिया शाह के दूसरे शोहर शहजाद का कहना था कि ये ऐलान उन तमाम लोगों के लिए है जिनको मेरा दानिया शाह से निकाह मजाक लगता है। मेरी दानिया शाह से चंद माह कबल शादी हो चुकी है। शहजाद का ताल्लुक शुजाबाद से है। दानिया शाह के शोहर का कहना था कि उन्होंने चंद माह कबल मरहूम आमिर लियाकत की बेवा से निकाह किया था और अब वो अपने निकाह का इकरार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि दानिया शाह और आमिर लियाकत की अज़वाजी जिंदगी तनाज़ात का शिकार बनी। दानिया शाह ने मुबैना तौर पर आमिर लियाकत की मुतनाज़े और नाज़िबा वीडियो लीक की, जिसके बाद आमिर लियाकत मुश्किल में दिखाई दिए। एक मौका पर उन्होंने दानिया को माफ़ करने का ऐलान भी किया, लेकिन जल्द ही तन्हाई में उनकी मौत हो गई। बाद अज़ां आमिर लियाकत हुसैन की अहलिया दानिया शाह ने उनकी विरासत में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए वकील की खिदमात 2 करोड़ रुपए में हासिल कर ली थी। दानिया शाह को सन 2022 में आमिर लियाकत की नाज़िबा वीडियो बनाकर वायरल करने के इल्जाम में लोधरा से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया था। कई माह बाद अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया था। तहम अब हालिया वायरल होने वाले वीडियो बयान में दानिया शाह मजकूरा वकील हकीम शहजाद से अपने निकाह की तस्दीक करते हुए नजर आ रही हैं। ख्याल रहे कि दानिया शाह ने मरहूम आमिर लियाकत से फरवरी 2022 में 18 बरस की उम्र में शादी की थी, जिन्होंने महज 3 माह बाद मई में तनसीख निकाह के लिए पंजाब की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। मगर उनकी खुला होने से कबल ही मुबैना तौर पर दानिया शाह की जानिब से आमिर लियाकत की मुबैना ऑडियो और नाज़िबा वीडियोस लीक की गई थी, जिसके कुछ अरसे बाद 9 जून 2022 को आमिर लियाकत इंतकाल कर गए थे। बाद ऐसा आमिर लियाकत हुसैन के बच्चों और पहली बीवी बुशरा इकबाल ने दानिया शाह के खिलाफ वफाकी तहकीकती इदारे में शिकायत दर्ज कराई थी और दानिया शाह के खिलाफ FIA और कराची की अदालतों में मुकदमात की समातें भी हुई थी और तहाल उनके खिलाफ केसेज जेर समात हैं। इलावा अजीज दानिया शाह ने आमिर लियाकत के वर्षा के खिलाफ हक विरासत का दावा दायर करने का ऐलान भी कर रखा है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।